हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शेलर यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में मनी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पे, या फिर आपको 1% या फिर उससे भी कम चार्जेस लगने वाले। दोस्तों सब कुछ मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट का रिस्क ना ले। सबसे पहले छोटा सा अमाउंट ट्रांसफर करके देखें अगर आपका अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद ही कोई भी ट्रिक आप यूज़ किया करें। मैं स्पेशल इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, हम या फिर कोई भी आप लोगों के लिए ट्रिक कोई भी लेके आता है तो सबसे पहले आप छोटे अमाउंट के साथ ट्राई कीजिए। अगर आपका वर्किंग है तभी आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं आपका कभी भी कार्ड डिटेल्स या फिर कार्ड का पिन या फिर आपका OTP ऐसी डिटेल्स मैं आपको कभी भी नहीं मांगता, या फिर मेरे नाम से आपको कोई भी डिटेल्स मांगेगा तो आप किसी के साथ ये डिटेल्स शेयर ना करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर, यहाँ पे हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें दो एप्लीकेशन की मदद यहाँ पे लेने, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने, यस पे वॉलेट का। तो आप यस पे वॉलेट सर्च करोगे तो ये वाला एप्लीकेशन आएगा। ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड करके रजिस्टर किया है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया तो मैं यहाँ पे मेरे पासकोड के थ्रू इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पासकोड एंटर कर लिया, फटाफट से हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यहाँ से इसका कार्ड शो होता है, इस कार्ड की मदद से हम क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफर करेंगे, जिसमें CVV भी वहाँ पे शो होता है। तो हम ऐड मनी करते हैं। ऐड मनी के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से भी आप ऐड मनी कर सकते हो। तो हम क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे कुछ अमाउंट डालते हैं। टेस्टिंग के लिए 100 रुपये, बस आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाना है। एक्चुअल में मुझे कुछ निकालने का मेरा इरादा भी नहीं था। यहाँ पे मेरा एक क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे सेव है, तो यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड की मदद से हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो फटाफट से CVV एंटर कर लिया है, लोड मनी पे हम टैप कर लेते हैं। लोड मनी पे मैंने टैप किया है, तो फिलहाल वेट करते हैं बिल्डर्स पे जाने तक। बिल्डर्स पे चला गया, यहाँ पे OTP के लिए हम वेट करते हैं, जो कि ICICI बैंक की तरफ से हमारे क्रेडिट कार्ड का OTP यहाँ पे आ चुका है। तो OTP भी हम फटाफट से एंटर करेंगे और यहाँ पे इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि क्या कैसे क्या करना है। तो ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा मनी इस वॉलेट में लोड हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज़ यहाँ पे हमारे वॉलेट में लोड हो गए। पहले 6 रुपये थे तो यहाँ पे 106 रुपये हो गए। तो फिलहाल अब बारी आती है दूसरे एप्लीकेशन। तो फिर से प्ले स्टोर में हम चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें सर्च करना है यहाँ पे अल्ट्रा कैश, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस वाले एप्लीकेशन को भी मैंने रजिस्टर ऑलरेडी किया है और डाउनलोड भी है, तो फटाफट से इसे ओपन कर लेते। इसे भी हम इसका पिन एंटर करके लॉगिन कर लेते। यहाँ पे पिन एंटर किया और लॉगिन यहाँ पे हो रहा है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सेंड मनी वाला ऑप्शन फर्स्ट में आता है। इस वाले ऑप्शन के मदद से हम यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता था, दोनों ही वॉलेट का मिनी KYC का लिमिट है ओनली 10,000 रुपये। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट डिटेल्स ऑलरेडी सेव है, जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में शो किया था ICICI बैंक के पे लेटर से हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं SPay का मैंने डेबिट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया है पेमेंट के लिए, और यहाँ पे SPay वॉलेट का डेबिट कार्ड मैं एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 100 रुपये पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगी, पर 100 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आप स्पेंड करोगे तो 1% चार्जेस लगेगी। तो यहाँ पे SPay वॉलेट की तरफ से यहाँ पे हमें OTP भी मिल गया है, तो फटाफट से OTP एंटर कर लेते और आप लोगों को दिखाएंगे कि पैसे ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबमिट किया है, वेट करते हैं मनी ट्रांसफ़र होने। तो यहाँ पे स्टेटस है हमारा लोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हो स्टेटस सक्सेसफुल हो गया। और हमें बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि हमारे वॉलेट में, सॉरी हमारे बैंक अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हो गए, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकाउंट में यहाँ पे अल्ट्रा कैश के थ्रू 100 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए, जो कि हमने हमारे क्रेडिट कार्ड से SPay वॉलेट में लिए, SPay वॉलेट से अल्ट्रा कैश के थ्रू हमने ट्रांसफ़र करके दिखाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SPay वॉलेट में अभी 6 रुपये बचे। बस दोस्तों यही कुछ, ऐसे वीडियो बनाते समय बहुत बार हमारे पैसे भी फंसते हैं, ऐसे ट्रिक ढूंढने में बहुत टाइम भी जाता है, ऐसे वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है। तो दोस्तों एक लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।